पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की महाषष्ठी की शाम को बारिश हुई थी। इस कारण पूजा पंडाल को घूमने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन रविवार को बारिश की आशंका के बीच महासप्तमी की सुबह से ही दक्षिण कोलकाता से लेकर उत्तर कोलकाता के पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। थीम पर बने पंडाल और माँ के दर्शन के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शहर की सड़कों पर भीड़ लग गई। उसके बाद जैसे जैसे शाम बीतती रही पंडालों में भीड़ बढ़ती रही। भीड़ के मद्देनजर पूजा पंडालों और सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दक्षिण कोलकाता में गरियाहाट, एकडालिया, हिंदुस्तान पार्क, हिंदुस्तान क्लब, देशप्रिया पार्क के पूजा पंडालों में सप्तमी की सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। स्थिति यह थी कि भीड़ के दबाव में यातायात को नियंत्रित करना पड़ रहा था। वहीं मौसम विभाग ने कहा था कि रविवार को भी मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना, वीरभूम, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में दर्शक बारिश को वॉकओवर देने को तैयार नहीं है, इसलिए सुबह से ही पंडाल में भीड़ लग गई। वहीं आपको एक बार फिर बता दें कि मौसम विभाग ने बताया था कि पूजा के दौरान बारिश होगी। हालांकि महाअष्टमी की सुबह से फिर से बारिश एक बार शुरू हो गई और कहीं कहीं तो बारिश के कारण जलजमाव भी हो गया। पूजा के दौरान कोलकाता में भारी बारिश की संभावना अब नहीं है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के 4 जिलों को छोड़कर कहीं भी भारी बारिश नहीं होगी। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है और एक और चक्रवात बंगाल के उत्तर पूर्वी खाड़ी में बन रहा है। दक्षिण बंगाल में अगले 3-4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही बादल छाए रहने के अनुमान है। दक्षिण 24 परगना के 4 जिले वीरभूम, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर के अलावा कहीं और भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने हर जगह हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। कोलकाता का तापमान भी कम रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रात का तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बारिश के कारण मौसम में हुए बदलाव से लोग काफ़ी खुश हैं और वो ये चाहते हैं कि ये मौसम ऐसे ही बरकरार रहे और पूजा पंडाल घूमने में उन्हें मौसम का भी पूरा साथ मिले।